कि मान लीजिए पुराने मेरे किए गए कर्म हैं, उसमें कुछ पाप हैं, कुछ पुण्य हैं। जब मेरी तारीफ होती है तो मेरे पुण्य समाप्त होते हैं, जब मेरी बुराई होती है तब मेरे पाप समाप्त होते हैं। आप क्या समाप्त करना चाहते हैं, पाप या पुण्य? ऑब्वियसली आप सब यही कहेंगे कि आप अपने पाप समाप्त करना चाहते हैं। तो जब कोई आप पर दोषारोपण करे, आपका अपमान करे, तब आपको प्रसन्न होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी बड़ी मदद कर रहा है मेरे पाप रूपी घड़े को समाप्त करने के लिए। क्योंकि जब मेरा समय अंत आएगा तो मेरे पाप का घड़ा समाप्त हो चुका होगा और सिर्फ विराजमान रहेंगे पुण्य। लेकिन हमें अगर बुरा लगता है और हम फिर दोबारा से उसकी बुराई करते हैं जिस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, तो फिर हमारे पाप का घड़ा यथारूप भरा रहता है। इसलिए हमको सहन करना चाहिए।